महाराष्ट्र में जारी पॉलिटिकल फाइट्स के बीच शिवसेना के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है, जिसके कारण महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी MVA सरकार संकट में आ गई है। साथ ही बाकी विधायकों के दफ्तरों के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के घर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया। इसी को लेकर मीरा भाईंदर शहर में भी शिवसेना द्वारा शिवसैनिक मिलावा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शिवसेना के उपनेता विनोद घोसालकर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिल्डर लोकांची विडी मिनिस्टर हे आमचे आमदार कोण कोण त्या कोण तुमचा प्रताप संदेगे थोडं भाजप वाला होता तो नरेंद्र मेहता नारू बोलायचा नारूच्या विरोधात पण चिष्टी आणि फोटी काय होत हे आम्हाला माहिती होत त्याप्रमाणे बरोबर की नाही। शिवसेनाला तुम्ही कधी पासून इथे चेपण्याचा प्रयत्न करता ते आपल्या स्वार्थासाठी आणि म्हणून मला वाटत आज भाईगडा भाईंदर ते शिवसैनिक मुक्त झालेले आहे। तो वहीं दूसरी तरफ विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय पर भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा गया था, जहां पर प्रताप सरनाईक के बेटे पूर्वेश प्रताप सरनाईक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे। लेकिन उनके कार्यक्रम में कुछ ही कार्यकर्ता दिखाई दिए। इससे तो यह बात एक साफ हो गई है कि मीरा भाईंदर शहर में भी शिवसेना बागी विधायकों पर अपना तेवर दिखा रही है, और साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि शिवसेना ने शक्ति प्रदर्शन जिला प्रमुख के नेतृत्व में करके दिखाया है। लेकिन प्रवेश प्रताप सरनाईक का कहना है कि उनका मीटिंग बुलाने का मकसद शक्ति प्रदर्शन का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के मन में जो भ्रम है उसको दूर करना है। रहा बात वही है कि देखो प्रताप सरनाईक के मन में जो एक साल पहले था वो आज 50 आमदारों के मन में आज वो विचार आ गया है। मैं आपको ये भी लिख के देता हूँ, आज 50 है, कल इसके 70 होने वाले। हम सत्ता के लिए बिल्कुल भी लाचार नहीं है, सत्ता नहीं भी आए हम विरोधी पक्ष में बैठने को तैयार है, लेकिन अब इसके आगे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ काम करना ये मुझे तो भी योग्य लगता। अगर हमको ऐसा कोई निर्णय लेना होता तो हम खुलेआम पार्टी को स्विच करके भारतीय जनता पार्टी में जाते थे। तो ईडी का डर ये ठीक है, प्रताप सरनाईक के ऊपर ईडी आई इसके लिए अभी सब बोल रहे हैं कि प्रताप सरनाईक ईडी के डर से गए। अरे डरना होता तो एक साल पहले जब पत्र लिखा उसी के एक महीने बाद हम प्रवेश कर लेते। आज मीरा भाईंदर जैसे शहर में भी विकास काम करने के लिए प्रताप सरनाईक जी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है जो 2014 की सरकार में हम लोग को नहीं करनी पड़ती थी। आज मीरा भाईंदर जैसे शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अभी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़ा नेता है जो मीरा भाईंदर में महीने में दो दो तीन तीन बार आने लग गए कि जिस पार्टी की विचारधारा हमारे पार्टी की विचारधारा से जमती है उस विचारधारा वाली पार्टी के साथ ही हम आगे काम करना चाहेंगे। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए देखो शक्ति प्रदर्शन हम हमारे आपस में शक्ति प्रदर्शन करके क्या हमको मिलने वाला है। मैं सिर्फ एक है कि मेरे पिताजी की जो भावनाएं है आदरणीय शिंदे साहब और आदरणीय सरनाईक साहब की जो भावनाएं है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आज ये मीटिंग का आयोजन हमने किया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आज शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वह इसी तरह से बागी विधायकों के खिलाफ आक्रामक रूप धारण किए रहेंगे या नहीं, अब यह देखने वाली बात होगी। मग आता कुठल्या तोंडाने तुम्ही मीरा भाईंदरच्या मतदारांकडून मत मागायला जाणार आहात? नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा भाईंदर में मौजूद हैं और आज मीरा भाईंदर शहर में भी जो बागी विधायक हैं उनके जो द्वारा जो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाया गया है उसको लेकर मीरा भाईंदर शहर में भी आज एक मीटिंग बुलाई गई थी शिवसेना के जिला प्रमुख द्वारा। साथ ही बागी विधायक प्रताप सरनाईक के जो बेटे हैं पूर्वेश नाईक उनके द्वारा भी मीटिंग बुलाई गई थी उनके कार्यालय पर। लेकिन
आपको बताना चाहते हैं कि जो जिला प्रमुख द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए शिवसेना के जो उपनेता हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही पूर्वेश नाइक ने अपने ऑफिस पर जो मीटिंग बुलाई थी उसमें जो लोगों की, जो कार्यकर्ताओं की संख्या थी वो बहुत कम दिखाई थी, लेकिन इस सम्मेलन में मीरा भाईंदर शहर के 3 नगर सेवक भी दिखाई दिए हैं और साथ ही बाकी के 11 नगर सेवक इस सम्मेलन में आए दिखाई दिए, जहां पर जिला प्रमुख द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। इस विषय पर जो उपनेता आए थे मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, उनसे जब हमने इस विषय पर बात की तो उन्होंने क्या जानकारी हमें दी है, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ की हालत बिल्कुल ठीक है, शिवसेना वही है, शिवसेना के लोक प्रतिनिधि भी यहाँ है, जो हमारे बंडखोर MLA है प्रताप सरनाईक, उनके विरोध में यहाँ लोग जमे हैं। माननीय पक्ष प्रमुख के साथ उसने जो गद्दारी की है उसका निषेध करने के लिए सभा थी। हमें विश्वास है कि जैसे हमारे 2 MLA वापस आए और उनने जो बताया स्टोरी कि हमें जबरदस्ती, हमको पता नहीं है काय के लिए लेके जा रहे, और ऐसे कई लोगों का हमारे नेताओं को फोन आता है कि हम शिवसेना के साथ है और हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन टाइम आएगा तो हम शिवसेना के साथ जाएगा, वो टाइम है फ्लोर का। नहीं नहीं, वो तो अभी भी आज भी उसका हम लोग ने सत्कार किया, वो सब झूठ है, तानाजी सावंत बोलते हैं ना, वो तो किधर बोलता है, वो तानाजी सावंत कुछ भी फेंक देता है, मेरे गाड़ी में था। अरे तानाजी सावंत ने स्टेटमेंट दिया कि मैं गाड़ी दिया था, वो गाड़ी में से वो, ये मुझे ये पता नहीं चल रहा कि एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट प्रताप सरनाईक कल तक बात कर रहा था, वो आज वो लोगों के, वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने का कारण क्या है? पहली बात मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ जो नगर सेवकों को मालूम ही नहीं है कि क्यों जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं, बंडखोरी कर रहे हैं। चलो लोगों को क्या, शिंदे जी का सम्मान था, शिंदे जी विधिमंडल के नेता थे तो उनका भी इम्पोर्टेंट था, जभी जभी आमदार किया, थाना के नगर सेवक को जिला प्रमुख थे, पालक मंत्री थे, तो वो बोलते थे तभी लोग जाते थे। अभी उनके दिल में क्या है वो नगर सेवक को पता नहीं, वो जब भी आएंगे तभी पता चलेगा, वो लोगों को मालूम या नहीं है। माननीय आदित्य ठाकरे का कल स्टेटमेंट है, अगर कोई गलती से गए उसको वापस पार्टी में गए। अभी देखो, अभी उनको महाराष्ट्र में आने की चिंता है, अभी पूरा महाराष्ट्र में शिवसेना का कार्यकर्ता ने माहौल तैयार किया है, सबके ऑफिस टूट रहे हैं, सबके बैनर्स को आग लगा रही है, किसी किसी के घर पे ऊपर हल्ला हो रहा है, तो उसको पहले आने दो महाराष्ट्र में डेरिंग कर। इसके सबके पीछे भारतीय जनता पक्ष है। अभी हम लोग क्यों गए, अभी देखो कोई आदमी को मैसेज बराबर मिला है कि नहीं मिला है, उनकी इच्छा क्या है? हमारे पार्टी चीफ ने कहा है कि जिसको जाने का है वो जाने दो, जो है उसके बच्चे हुए उसके साथ हम काम करेंगे, तो उनका भी एक्सप्लेन हम लोग लेंगे। राजन बेचारे थाना में है, एक काम के लिए फंसे है, और उसने मुझे बोला हमारा अभी 6 बजे बात होगी कि आप, मैं नहीं आ सकता, आप लीड करो और ये मीटिंग पूरी करो। तो आपने देखा कि दोनों व्यक्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि आने वाले समय में शिवसेना का क्या होगा? क्या जो बागी विधायक हैं वो शिवसेना में वापस आएंगे? क्या शिवसेना के जो बड़े नेता हैं उन बागी विधायकों को अपने साथ रखेंगे या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, या फिर ये जो कार्यकर्ता आज शिवसेना के बागी विधायकों के कार्यालयों पर उनकी फोटो पर कालिक पोते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो इसी तरीके से जब वो मुंबई शहर में आ जाएंगे तब भी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन TV पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।